इंसानों में बर्ड फ्लू का खतरा। कंबोडिया में लड़की की मौत के बाद पिता की रिपोर्ट भी पॉजिटिव। WHO ने दी चेतावनी। गोवा, पाकिस्तान की टीम का समर्थन करने पर लोगों ने दुकानदार से मंगवाए माफी, भारत माता की जय के नारे भी लगवाए। गुजरात, वडोदरा में दो कारों की आपस में भिड़ंत, दो बच्चे समेत एक ही परिवार के पांच की मौत। कर्नाटक, एक ही परिवार के तीन लोगों ने की आत्महत्या, नहीं चुका पा रहे थे 25 लाख का लोन। सुकमा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, तीन जवानों की मौत, दो घायल। गुरुजी ने कह दिया, बस हम तो धन्य हो गए। पीएम मोदी से मिली तारीफ पर बोले नागालैंड के मंत्री तेमजनिमना। ओलाफ शोल्स, राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी से मिले जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स, रूस यूक्रेन युद्ध पर होगी चर्चा। शुगर फैक्ट्री घोटाला, एनसीपी नेता हसन मुशरीफ की मुश्किलें बढ़ी, शुगर मिल घोटाले के मामले में केस दर्ज। सीएम योगी की सुरक्षा में तैनात हेड कांस्टेबल की गोली लगने से मौत, सर्विस रिवॉल्वर साफ करते हुए चली गोली। लखनऊ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि नोएडा पुलिस फर्जी मुठभेड़ों में लगी है और पुलिस अधिकारी भविष्य में जेल जाएंगे। अनुराग ठाकुर, राहुल गांधी की टिप्पणी पर मंत्री का पलटवार, बोले देश को बदनाम करने की कोशिश होगी नाकाम। वेस्ट बंगाल, ममता सरकार ने कर्मचारियों को 6% महंगाई भत्ते देने की घोषणा की, अधिसूचना जारी। उद्धव ठाकरे, ठाकरे परिवार की मुश्किलें बढ़ी, 19 बंगला घोटाला मामले में FIR दर्ज। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज कांग्रेस के महाधिवेशन का दूसरा दिन है। महाधिवेशन के दूसरे दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तिरंगा फहराया, नोटबंदी एक ऐतिहासिक बेवकूफी, कांग्रेस महाधिवेशन में बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। तमिलनाडु, मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने इरोड के संपत नगर में चुनाव प्रचार किया।